तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट क्लासेस हैं। काफ़ी लोग अलग अलग ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स में पैसा लगा सकते हैं। इनमें से मेन जो पॉपुलर आते हैं वो है इक्विटी और कमोडिटी। लेकिन काफ़ी लोगों को इसमें जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो नहीं पता, और शायद इसके कारण वो उसमें ट्रेड ही नहीं कर पाते, और काफ़ी लोगों को लगता है कि दोनों सेम भी हैं। तो इन सभी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए इस वीडियो में हम आपको इक्विटी और कमोडिटी के स्पेसिफिक डिफरेंसेस बताएंगे, ताकि आप अपनी ट्रेडिंग उस हिसाब से कैरी आउट कर सकें जिस हिसाब से आप नॉलेज गेन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सिंपल भाषा में इक्विटी एक कॉमन स्टॉक है, एक पार्ट है, एक पर्टिकुलर पीस है कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशन का, जो कि कोई भी खरीद सकता है स्टॉक मार्केट से। अब कितने शेयर लिस्टेड हैं वो डिपेंड करता है अलग अलग कंपनी के ऊपर। अब इक्विटी स्पेसिफिक लेवल पे ऑनरशिप देती है, जिसमें अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप डिविडेंड भी पा सकते हैं, और प्राइस मूवमेंट के डिपेंडिंग के ऊपर आप उसमें प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो कुछ तरीके हैं जिसमें इक्विटी शेयर खरीद के आप अपने लिए पैसा कमाते हैं। कमोडिटी एक रॉ मटेरियल हो सकता है, या एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में खरीदा जा सकता है, जिसमें या तो आप फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं प्रोडक्ट की, या आप एक्चुअल में उसमें पैसा जो डिफरेंसेस रहेगा बाइंग और सेलिंग में कैश ट्रांजैक्शन के हिसाब से उसमें सेटल कर सकते हैं। अब बेसिक डिफरेंस ये है, लेकिन जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंसेस आते हैं वो समझना ज़रूरी है। वही एक एक करके आपको हम बताएंगे। जो इक्विटी का शेयर होल्डर है वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है एक तरीके से। चाहे आप एक शेयर के होल्डर हैं, चाहे हज़ार, चाहे लाख, आप एक कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, शेयर धारक बन जाते हैं। कमोडिटी का कोई होल्डर है, उसके पास वो कमोडिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट के ऊपर होता है, और एक डेट के साथ फिक्स होता है, एक प्राइस के ऊपर फिक्स होता है, जो उसके बाद एक्सपायर हो जाता है। ऑनरशिप उस हिसाब से इक्विटी में ही देखी जा सकती है। वोलेटिलिटी के हिसाब से देखिए, अलग अलग स्टॉक्स हैं, तो कई स्टॉक्स कम वोलेटाइल होते हैं, कोई ज़्यादा, मार्केट कंडीशंस भी डिपेंड करती हैं। लेकिन कंपैरिजन अगर करेंगे तो कमोडिटी के कंपैरिजन में इक्विटी कम वोलेटाइल होती है। कमोडिटी ग्लोबल फैक्टर्स के कारण इम्पैक्ट होती है, इसलिए उसमें वोलेटिलिटी फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब वोलेटिलिटी फैक्टर ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा होगा, और कमोडिटी इक्विटी से ज़्यादा रिस्की है, ये भी आप समझ के चलिए। डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपिटीट, कितना रिस्क आप उठा सकते हैं उस हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का चयन कर सकते हैं। फॉर दैट मैटर, अगर रिस्क कम ही लेना है तो आप फिक्स डिपॉजिट खोल लीजिए, उसमें सबसे कम रिस्क होता है। लेकिन आजकल बैंक पे भी आप इतना विश्वास नहीं कर सकते, सो शायद उसमें भी इतना रिस्क कम नहीं रहा है। डिविडेंड एक अच्छा खासा डिफरेंस है इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनके, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स जिनको डिविडेंड स्टॉक्स कहा जाता है उस पर आप डिविडेंड ले सकते हैं। रिटर्न में आप स्टॉक के प्राइस मूवमेंट के ऊपर पैसा तो बनाएंगे ही, लेकिन डिविडेंड से भी पैसा कमा सकते हैं। कमोडिटी में आपको कोई डिविडेंड नहीं मिलने वाला। जो एक्सचेंज होते हैं भारत में अलग अलग हैं, NSE BSE में आपको इक्विटी एक्सचेंज करते हैं, लेकिन MCX NCDEX और NMCE से आप कमोडिटी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। इक्विटी शेयर में कोई एक्सपायरी नहीं है। हाँ, अगर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग किया है तो आज की तारीख में ही आपको उसकी पोजीशन सेटल ऑफ करनी है, लेकिन डिलीवरी ट्रेड में आपको कोई तारीख, कोई दिन, कोई टाइम नहीं बताना है कि कब आपने एग्जिट मारना है। कमोडिटी जो फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एक एक्सपायरी डेट के साथ ही आते हैं, और वहाँ पे उसको आपको ऑप्शन है तो एक्सरसाइज करना है या नहीं करना वो आपकी चॉइस है, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को आपको एक्सरसाइज करना ही होता है। लिक्विडिटी वोलेटिलिटी की बात हमने शुरू में की थी। लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो इक्विटी शेयर्स में लिक्विडिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कमोडिटी। इक्विटी शेयर को आप कभी भी बेच सकते हैं, अगर आपको सेलर मिलता है, जनरली मिल जाते हैं अगर अच्छा खासा स्टॉक है, लेकिन कमोडिटी के केस में यहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ा कम हो जाता है। इक्विटी शेयर को कॉन्ट्रैक्ट को ज़्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाता है, डिलीवरी में जो ट्रेड करते हैं वो समझेंगे इस चीज़ को। कमोडिटी ज़्यादातर कुछ हफ्ते, महीने या कुछ देर, 3 महीने तक कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं, तो वो डिफरेंस भी यहाँ रहेगा। इक्विटी मार्केट में रेगुलेशंस हैं, सेबी अच्छा खासा रेगुलेशन लगाता है, लेकिन कमोडिटी मार्केट में अच्छा खासा सुपरविजन होता है, क्योंकि यहाँ पे अगेन ग्लोबल फैक्टर्स आ जाते हैं, और वहाँ पे जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। मार्जिन की रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल अगर आप इक्विटी इंट्राडे भी करते हैं तो आपकी चॉइस है, हालांकि मार्जिन पे भी काफ़ी यहाँ पे लिमिटेशंस लगा दी हैं सेबी ने, लेकिन अगर हम आज की तारीख की बात करें तो इक्विटी ट्रेडिंग में इंट्राडे स्पेशली में आप ज़्यादा मार्जिन उठा सकते हैं।
तो वो आप देख सकते हैं। दूसरा चीज़ है लॉट साइज़ का प्रॉब्लम। फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लॉट में होते हैं और एक लॉट में 100 शेयर, 1000 शेयर, जितने मर्जी हो सकते हैं, तो अच्छा खासा कैपिटल चाहिए आपको। हालांकि आप मार्जिन उठा सकते हैं लेकिन कैपिटल आपको चाहिए होगा। इक्विटी शेयर आप एक शेयर भी खरीद सकते हैं, आप 10 शेयर भी खरीद सकते हैं, आप 100 शेयर भी खरीद सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस। तो ये दोनों जो क्लासेज हैं पैसा लगाने की इन्वेस्टमेंट लेवल पे अलग अलग हैं, स्पेसिफिक डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, और आपको खुद क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस पर्टिकुलर रिस्क लेवल पे कितना कैपिटल है आपके पास, ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइम पीरियड क्या है, वोलेटिलिटी कितना देख सकते हैं, लिक्विडिटी एक्सपेक्टेशंस, डिविडेंड लेवल का प्रेफरेंस, ये सब चीज़ों को आपको देखना है जब आप इन्वेस्टमेंट क्लास में पैसा लगाते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट क्लास को रूल ऑफ मत कीजिए, हर तरह का डाइवर्सिफिकेशन जरूर कीजिए अपने पोर्टफोलियो में, ताकि आप एक तरह के इन्वेस्टमेंट क्लास पर डिपेंडेंट ना रहें। कुछ जगह कमोडिटी में पैसा लगाइए, इक्विटी में पैसा तो लगाते ही हैं आप, फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए, आजकल गोल्ड थोड़ा महंगा है लेकिन गोल्ड में भी लगाना चाहिए, तो आपकी डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है हर तरह के इन्वेस्टमेंट क्लास में। तो दोस्तों, इक्विटी और कमोडिटी के इस डिफरेंस के वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपको पसंद आया हो, और अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। स्टॉक पाठशाला हमारी ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट एजुकेशन के ऊपर जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो सकें और रेगुलरली आप स्टॉक मार्केट के इन टच रहें। तो थैंक यू सो मच, और अ डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।